Hello everyone, this is me Pratima Chauhan and welcome back to my channel. Hope you all are doing great, I'm also doing well. So, आज मैं जिस फंक्शन के लिए रुकी थी वो है शुकुत. तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड और ऊपर से यहाँ मुझे एक पिंपल टाइप हो गया. पिंपल नहीं हो, मुझे होता ही यहाँ पे होता बट यहाँ पे हो गया तो इसमें बड़ी दर्द हो रही है. अब मैं रेडी हो गई हूँ और मास्क वगैरह पहनना पड़ेगा, टोपी पहननी पड़ेगी क्योंकि वो फंक्शन हाई देवता का, तो वहाँ पर ऐसे जा ही नहीं सकते नंगे से. सो अंकु रेडी हो गया, भैया भाभी अंकल सारे चले गए हैं और मैं इनू अंकु साथ जाएंगे. सो बाकी आपको मैं दिखाती रहूँगी बाद में. यहाँ पे मैं और इनू निकल गए थे भाभी के घर के लिए. जो डिस्टेंस था आई थिंक वो था 10 मिनट का, तो हम पैदल जा रहे थे. और किन्नौर में मैंने ये चीज़ देखी, जैसे कोई भी सामान ले जाना हो तो वो शॉल में से लपेट के लेके जाते, जो कि मुझे काफ़ी यूनिक और अच्छा लगा. थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे भाभी के घर और जिसका शुकुत था उसका नाम था काका. तो यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव और गांव के लोग आ रखे थे और जो मेन कैरेक्टर था आज का वो था काका. और काका के साथ था अंकु. तो अंकु और काका को जो बहुत सारी माला पहना रहे थे और जो काका के पेरेंट्स थे उनकी जितनी भी फैमिली है उनको भी सारे लोग माला, टोपी, फ्लावर और जिसकी जो भी इच्छा थी वो दे रहे थे. एंड कुछ टाइम के बाद आई थिंक 1 बजे के अराउंड काका और अंकु एंड उनके जो पापा वगैरह वो जाते हैं देवता जी को लेने. और लेडीज़ भी जाती है बट वहाँ पे बिना दोड़ू के नहीं जा सकते. पहले हमारा प्लान था कि हम अभी नहीं जाएंगे देवता जी को लेने, शाम को जाएंगे, बट सडनली हमें भी देवता लेने के लिए भेजा जाता है. उसके बाद हमने फटाफट दोड़ू पहने. मैं सबसे लास्ट में गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि किसी और के गांव में जाके देवता जी को लेना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. तो यहाँ हम निकल गए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था. हाथ में हमने धूप वगैरह जो होती है वो लेके जा रहे थे देवता जी को लेने. एंड कुछ देर बाद हम पहुँचे आधे रास्ते में देवता जी को मंदिर से ला रहे, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. पता नहीं क्यों, हाँ चलो यार. इन रात का टाइम हो गया था, मतलब आई थिंक 7 के अराउंड. तो यहाँ पे ना देवता जी का भोग दिया रहा था जिसको किन्नौरी भाषा में पुरपाटी कहा जाता है. मे बी मैं गलत भी हो सकती, तो जो भी किन्नौर के लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो करेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सारे बैठ जाते हैं, पूरी मिलती है, सब्जी मिलती है और नॉन वेज भी मिलते हैं, तो सारे लोग बैठ जाते हैं. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand. Guys, अभी हो गया देवता जी को विदा करने का टाइम. उससे पहले कायंग होएगा, पूजा होएगी, फिर मंदिर तक भेजने जाएंगे. इन्नू, रेखा दीदी, यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे. तो अब जाएंगे हम नीचे और जिनका शुकुत था ना वो डांस करेंगे और उनके साथ जो एक लड़का और होता ना अंकु वो भी डांस करेंगे. और मैंने पहने मोटे मोटे कपड़े. यहाँ पे है देवता जी, मैं हाथ से दिखाने लगी थी. मैं कर रही हूँ भाभी और अंकु और का वेट. ये पहन रहे दौड़ू, मैं नहीं पहन रही क्योंकि पूजा करनी है.
पूजा होगी फिर दीप्ता जी को लेके जाएंगे मंदिर, हम सब भी जाएंगे। चल पड़े मंदिर की तरफ। बनाते हैं ना